के गौरव के। मनोज और पासियों के गौरव के और गीत हम सुनाएंगे। पासियों के गौरव के गीत हम सुनाएंगे। पासियों के गौरव के गीत हम सुनाएंगे। देश के अंधेरे में बिजलियां चमकाएंगे। देश के अंधेरे गीत गा नहीं रहा हूँ, इस समाज का इतिहास समाज तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप शब्दों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वो क्रांति दिवस पावन 1857, वो क्रांति दिवस पावन 1857, एक कूक सी उड़ी थी एक हूक सी उठी थी। पासी समाज के लोगों ने 1857 की आज़ादी में और इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग कर रहे भाई संजय कुमार जी, हमारे बहुत ही अभिन्न हमारे मित्र और हमारे बड़े भाई संतोष भार्गव जी, समाज के लोगों तक ये संदेश हमारा पहुँचे। पासी समाज ही अपने महापुरुषों की जयंती मनाए, समय आए तो उनके बलिदान दिवस मनाए, एक कामना इस आनंद राज के अंदर है। सुनिएगा। वो क्रांति दिवस पावन 1857, एक कूक सी उड़ी थी एक हूक सी उठी थी। अंग्रेजो भारत छोड़ो जंजीर इसकी तोड़ो। गंगा दीन पासी का बलिदान, उदा देवी पासी का बलिदान आप सुन रहे हैं। पूरब से हवा चलती पश्चिम को चली जाती, उत्तर से सदा आती दक्षिण को चली जाती। कन्याकुमारी से ले कश्मीर तप रहा था। ये आज़ादी कैसे मिली लोगों? तो जो पासी कभी देश की रक्षा के लिए लड़ते थे वो पासी समाज के भाई आज आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए समाज मिटता हुआ जा रहा। लोगों जाग जाओ, ये आपसी कला को छोड़ दो वरना ये कौम मिट जाएगी। पासियों अब आंख अपनी खोलो, पासियों आंख अब अपनी खोलो, अपनी ताकत को तोलो। 850 सालों तक तुमने क्षत्र शासन इस अवध में किया था, ये आनंद राज आज तुम्हें चेतावनी दे रहा है। पासियों आंख अब अपनी खोलो, अपनी ताकत को तोलो, अब बिखरो मत एक होलो। कलंक गुलामी का धोलो, कलंक गुलामी का धोलो, और मिटता हुआ इतिहास संजोलो। कलंक गुलामी का धोलो, मिटता हुआ इतिहास संजोलो। राजा थे राज को ले लो, और फिर जय इंकलाब सब बोलो। पासियों के गौरव के गीत हम सुनाएंगे।
ये आनंद राज महीना में 25 दिन समाज में रहता, हमारी खटिया तिरावत और खटिया पर बैठ के कहा थे गुरु जी हम तो भाइयों मानो हो गया 12 साल हो गए, 13वीं साल चल रही समाज में बुद्ध का प्रचार करते हुए, हम तो जाति पाति पर कभी काम ही नहीं किया, मैं तो अपनी जात को खत्म कर दिया मिटा दिया, मगर ये जात छूटने का नाम नहीं ले रही। हमारी चारपाई पर बैठते पूछा दादा क्या बात बताइए कोई समस्या, कहीं गुरु जी कहा बताई पसिया ना सुधरत। भाइयों हम तो इसको त्याग दिया छोड़ दिया मानव बन गए, लेकिन जाति पीछा नहीं छोड़ा। तमाम लोग हमारे टाइटल को लेकर के मैं जो राज शब्द लगाता हूं इस पर भी कई बार लोगों ने कहा कि आप राज क्यों लगाते हो। भाई हम राजवंश का हूं नागवंश का हूं, हमारे पुरखे राजा थे, मैं राज लगाता हूं। राज का मतलब किसी जाति से नहीं, 90% लोग इस देश के जो मूल निवासी हैं वो राजाओं की संतान है, आप भी लगाइए राज। तो पासी समाज जो कभी बहादुर समाज था आज मिटता हुआ जा रहा, मिटता हुआ समाज क्यों जा रहा, क्योंकि उदा देवी पासी को नहीं जानता। ये मक्का पासी मदारी पासी छीता पासी साधन पासी माहे पासी कंस पासी को नहीं जानता। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते कैसे कैसे वो समाज आगे बढ़ेगा। जो लोग अपने महापुरुषों को नहीं जानते वो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो संदेश के रूप में जो उमेश नागवंशी जी ने लिखा था, मैं किसी लेखक का नाम नहीं चुराता हूं, मेरी आदत है, प्रतापगढ़ के रहने वाले जिन्होंने समाज में बहुत जगाने का काम किया, तो आइए चार लाइनें संदेश के रूप में सुने, अपने गौरवशाली इतिहास को अपने घरों में सजाओ, वरना आने वाली नस्लों को क्या जवाब दोगे। तो पूरब से हवा चलती पश्चिम को चली जाती, उत्तर से सदा आती दक्षिण को चली जाती, कन्याकुमारी से ले कश्मीर तप रहा था, आजाद भारत देश का संदेश जप रहा था, पासी की वीर बाला फुफकार जो उठी थी, था नाम उसका उदा ललकार जो खड़ी थी, भूल गए, था नाम उसका उदा ललकार जो खड़ी थी, स्वाभिमान जिसका जेवर कुर्बान जिसका सौहर, स्वाभिमान जिसका जेवर कुर्बान जिसका सौहर, उस उदा वीर माता का, उदा वीर माता का गुणगान सभी गाएंगे। याद करो वो वज्र पेड़ पीपल वीरांगना चढ़ी थी, कफन वो ओढ़ने को तैयार हो चली थी, काश हमारे घर की बेटियां बहनें उदा देवी का चित्र अपने घरों में लगाती, उस दिन आनंद राज का ये बोलना सफल और सार्थक हो जाता। वो क्रांति की थी बेटी फौलाद बन गई थी, गोरों को उड़ा देने हैवान बन गई थी, बंदूक तोप बन के सोले थी जब उगलती, अंग्रेज दफन होते एक आह थी निकलती, भारत की क्रांति माता मक्का की थी वो नारी, वीरांगना अकेली गोरों पड़ी थी भारी,
पीपल के पेड़ नीचे गोरों की मौत चीखे, पीपल के पेड़ नीचे गोरों की मौत चीखे। पासियों के गौरव के गीत हम सुनाएंगे, पासियों के गौरव के गीत हम सुनाएंगे। छत्तीस अंग्रेजों को मार दिया सिकंदर बाग चौराहे पर, आज भी ऊदा देवी की प्रतिमा ये इतिहास सुना रही, मगर क्या करूं। छत्तीस पड़ी थी लाशें, सिंहनाद हो रहा था, अवध का कोना कोना आबाद हो रहा था। जानसन ने ऊपर देखा कैसा ये माजरा है, हैरान रह गया वो सिर हाथ पे धरा है। अंग्रेज रोए थे उसकी लाश पर, मगर ये पासी समाज अज्ञानता अंधकार के नशे में इतना चूर हो गया, अपने पूर्वजों के अमर कुर्बानी को भूल गया। हिम्मत थी उसकी टूटी पर गोली चल गई थी, वो क्रांतिवीर नारी खामोश गिर गई थी। पर क्रांति की अग्नि का वो बीज बो गई थी, ये देश ऐसे आजाद नहीं हुआ। वो गार्ड कह के वालिस टोपी उतार रोया, है धन्य भारत देश वीरांगना जाया। उस माँ का रहा सपना साम्राज्य ले लो अपना, उस माँ का रहा सपना साम्राज्य ले लो अपना। उमेश कहे दुनिया से, राज कहे दुनिया से, जीत हम जाएंगे। पासियों के गौरव के गीत हम सुनाएंगे।